अब देखिए, हम लोग इतना जानते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, या डिस्टेंस टाइम यहाँ पे लिख दिया गया है, ये डिस्टेंस की जगह आप क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होते हैं आपके, वो भी उसका जो स्लोप होता है वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमें बताइए। क्या रिकॉर्डिंग ऑन है या सेशन की? मुझे लगता नहीं है, ऑन है। ठीक ठीक है। तो ये जो स्लोप है वो आपको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। बोलो, ये सब वेलोसिटी है, ये सारी वेलोसिटीज है ना तीनों, ये भी है, ये वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पे मूव नहीं हो रहा है, वो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है उसकी, यहाँ पे दोनों पे कुछ ना कुछ वेलोसिटीज हैं। और ये दोनों ग्राफ क्या शो कर रहे हैं, ये देखिए पहला वाला, देखिए दूसरा, तीसरा। पहले वाले में दिखा रहा है कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी है, दूसरे वाले में भी है, लेकिन किसमें ज्यादा है, पहले में ज्यादा है दूसरे में ज्यादा है? अगर ग्राफ टी की तरफ झुका हुआ है दोनों में, देखो किसमें ज्यादा झुका हुआ है, सेकेंड वाला ज्यादा झुका हुआ है। तो जो ग्राफ टी की तरफ ज्यादा झुका होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम वाला, उसकी वेलोसिटी उतनी कम हो जाएगी, इसकी ज्यादा है। यानी जो शैलो ग्राफ होगा आपका, वो क्या इंडिकेट करेगा, स्लो स्पीड या स्लो वेलोसिटी। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है वाइट, स्लो स्पीड दिखा रहा है ये। अच्छा, ये क्या दिखा रहा है, अगर ये ग्राफ थोड़ा स्टीप है, स्टीप है यानी उसका एंगल ज्यादा है। देखो दोनों में से एंगल किसका ज्यादा है, ये होगा करीब 50 का मान लो, और ये कितना होगा, ये होगा 30 से भी कम। तो जिसका एंगल एक्स एक्सिस से जितना ज्यादा है, वो स्टीपर कहलाता है, स्टीप ग्राफ। तो जो ग्राफ जितना स्टीप होगा, उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है सबको? अरे ये तो हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, सॉरी। ये मान लीजिए ऐसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो आपकी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन या कैसी भी लाइन, अगर इन दो एक्सिस के बीच में जो भी लाइन बन रही है, चाहे ये हो चाहे ये हो, ये क्या कहलाता है, स्लोप। क्या कहलाता है, स्लोप, है ना, स्लोप कहलाता है। हाँ, ये स्लोप आता कहां से है, ध्यान से सुनो, ये स्लोप आता है एक्स को टी से डिवाइड करने पर, इतना सही, यहीं से आता है ना, ये स्लोप यहीं से निकलता है। जब हम एक्स को टी से डिवाइड करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड करते हैं, तो स्लोप निकलता है, और इसको हम बोलते हैं क्या, वेलोसिटी। ठीक है, तो फिर हमने ये कहा था कि अगर ये स्लोप स्ट्रेट लाइन आएगा, चाहे जैसी स्ट्रेट लाइन हो, तो वो क्या कहलाएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी कहलाएगी। क्लियर है, इतना सबको पता है। अब दिक्कत तब क्रिएट होती है जब ये जो स्लोप है आपका, वो स्ट्रेट लाइन ना होकर चेंज होने लगे। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रहा है ना, जब चेंज होने लगता है दिक्कत तब क्रिएट होती है। ये आपका ऐसे चला गया, ये कैसे भी गया, ये चेंज होने लगा तब दिक्कत हुई। अच्छा, दिक्कत क्यों हुई, अब थोड़ा टेक्निकल टर्म में चलते हैं, बेसिक तो बहुत समझा लिया। देखिए, दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि यहां पे हर पॉइंट की वेलोसिटी बराबर थी। बोलो, यही था ना, हर पॉइंट की, स्ट्रेट लाइन पे हर एक पॉइंट की वेलोसिटी बराबर है। लिखना नहीं अभी, अभी समझो खाली, क्लियर है ना, इतना रिस्पॉन्ड करो, वरना बेकार है क्लास करना, ये वन वे क्लास नहीं चल पाएगी, वरना हम वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देते हैं। हाँ, तो ये क्या है कि इसपे सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम थी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सब एक जैसी आ रही थी। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट की वेलोसिटी सेम नहीं है, है ना, बोलो। अच्छा, हम यहां समझ चुके हैं वेलोसिटी निकालने का तरीका है, स्लोप निकालो, है ना, और स्लोप कैसे निकालो, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करो। अच्छा, क्या हम ये कह सकते हैं कि वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड करो? अरे बोलो, कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। इसको ध्यान रखना, ये वाली बात कि वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड करना, मतलब ये है कि अगर सपोज कर लो यहां पे आपके साथ लिखा होता, इसकी जगह अगर वाई और एक्स लिखा होता, तो जो टाइम, वो सॉरी, जो वेलोसिटी आती, वो क्या आती, वाई बाई एक्स, है ना, इतना क्लियर है। और स्पेसिफिकली हम लोग बोले तो वो एवरेज ही आती है, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होती है ना, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हम निकाल लेते हैं, यानी वाई एक्सिस से जो कुछ होगा वो एक्स एक्सिस वाले से डिवाइड हो जाएगा, फिर हमें स्लोप मिलता है, इतनी बात क्लियर है। अब यहां पे भी वेलोसिटी निकालनी है, तो अल्टीमेटली क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालनी है तो क्या, यहां क्या निकालना पड़ रहा था, स्लोप, तो यहां भी तो स्लोप निकालना पड़ेगा। अब यहां प्रॉब्लम ये आ जाती है हमारे सामने कि जैसे स्लोप आप लेंगे, कहीं भी स्लोप लेना आपको, ए बी सी डी ई एफ जी एच, अब कोई भी दो पॉइंट के बीच का आप स्लोप लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम
वेलोसिटी निकालना चाहते हैं ए और एफ के बीच में, ठीक है। तो ए और एफ के बीच में अगर आप स्लोप निकालना चाहते हैं तो कुछ ऐसे बनेगा, बोलो। ये तो है ना। अच्छा, अब ये स्लोप आप कैसे निकालेंगे? स्लोप हम निकालते कैसे हैं? हमारे यहाँ की प्रॉब्लम ये हमें समझना पहले पड़ेगा। स्लोप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी सबने? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ ली है ना सब बच्चों ने? हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप पढ़ाया गया, बोलो। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है तो पढ़ा है ना? हाँ, तो स्ट्रेट लाइन में कभी भी जब हम स्लोप निकाल रहे होते हैं तो एक्चुअली में हम टेंजेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? टेंजेंट निकालते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। वाई एक्सिस को एक्स से डिवाइड करने का मतलब ये है कि परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर रहे हैं ना। तो बोलो, परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर रहे हैं। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो हम ऐसे आपके लिए बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन गई है, ऐसे आपने वाई एक्सिस बनाया, ये एक्स एक्सिस है, तो हमेशा आप डिवाइड किसको करेंगे? इसी की वैल्यू ये होगी, तो y एक्सिस को x एक्सिस से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये क्या वैल्यू देगा आपको? tan थीटा की। किसकी? tan थीटा। तो हम स्लोप को क्या बोल सकते हैं? बोलो, tan थीटा। और आपने एक और चीज पढ़ी होगी, m भी बोलते हैं, पढ़ा है? नहीं पढ़ा। तो स्लोप को m से भी डिनोट करते हैं, m की वैल्यू tan थीटा होती है, वही स्लोप होता है ना। और ये दोनों कैसे निकाले जाते हैं? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा वाई का मतलब क्या हो गया? वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ये दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा ना, बोलो। इतनी बात में कोई टेक्निकलिटी नहीं ना, आसान है, इतना समझना। बोलिए, ये टेक्निकल टर्म है और हमने समझाया आपको कैसे रटने के लिए नहीं बोला है। टेन थीटा क्या है? स्लोप है। कैसे है बताया अभी हमने, क्योंकि वहां पे वही राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जो ट्रिग्नोमेट्री बनता है ना। और दूसरी चीज, उसी को m बोलते हैं, m से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। आपने पढ़ा होगा उसमें m1 m2 is equal to minus 1 वाला, कई केसेस है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने। खैर उसको छोड़ो, डेल्टा y by डेल्टा x क्यों होगा? वही परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। इतनी सबको क्लियर है। इसका मतलब ये है कि स्लोप निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? टेंजेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। टेंजेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। अच्छा, यहाँ पे टेंजेंट क्या है? स्ट्रेट लाइन में अगर आप टेंजेंट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे इसके साथ निकल जाएगा ना, बोलो। यहां पे अगर आप टेंजेंट बनाते हैं, किसी भी लाइन पे टेंजेंट बनाना चाहते हैं स्ट्रेट लाइन पे, तो स्ट्रेट लाइन कौन साइड करता हुआ निकल जाएगा ना, टेंजेंट। बोलिए, और इस टेंजेंट की वैल्यू निकालना है, इसका मतलब क्या है? एक्स एक्सिस से फिर ऐसे आप ड्रॉ करेंगे, बोलो। ये इस तरह से जो ये बन रहा है उसका ये निकाल रहे हैं, क्या? हाइपोटेन्यूज, है ना। तो बेसिकली टेंजेंट क्या बनता है? हाइपोटेन्यूज बनता है राइट एंगल ट्रायंगल में। इतना क्लियर है? जब भी आप टेंजेंट यहां पे बनाएंगे तो वो क्या बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बनेगा। तो यहां पे हम जानते हैं टेंजेंट उसके बिल्कुल कोइंसाइड होता हुआ जाता है, तो वो उसी स्ट्रेट लाइन की वैल्यू ही टेंजेंट की वैल्यू बन जाती है। क्या यहां पे वैसा होगा? नहीं होगा। हाँ, अब सुनो, ए और एफ आपको क्या निकालना था यहाँ पे? अगर आपको यहाँ पे कोई वेलोसिटी निकालनी है तो अगर जैसे आप ए और एफ के बीच की वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो उसको क्या करेंगे? नीचे ऐसे करेंगे और ये यहां से लाके इसको मिलाएंगे और ये वैल्यू निकालेंगे आप। ये बना ट्रायंगल आपके पास, है ना। ये ट्रायंगल बना और ये इसका क्या बन गया? हाइपोटेन्यूज। यही टेंजेंट हो गया आपके हिसाब से देखा जाए। हालांकि टेंजेंट नहीं है, ये क्या है? ये सेकेंड है। क्या है? ये सेकेंड है। टेंजेंट की वैल्यू आपको यहाँ पे एक पॉइंट की वेलोसिटी दे रही थी, है ना। यहाँ पे आपको सेकेंड मिल रहा है, तो यहाँ पे सिंगल पॉइंट की वेलोसिटी कहाँ मिल रही है? यहाँ पे देखो ए बी सी डी ई एफ, कितने पॉइंट्स आ रहे हैं ना इस लाइन पे, बोलिए। तो जो वेलोसिटी इस लाइन, ये लाइन की स्लोप अगर आप निकालते हैं तो इसकी जो वेलोसिटी आएगी वो किसकी एवरेज वेलोसिटी होगी? ए टू एफ के बीच की ना, बताइए। ए से लेके एफ के बीच की एवरेज वेलोसिटी होगी ना यहाँ पे, अगर आप इसकी वेलोसिटी निकालने चले जाते हैं तो, ठीक है। अब देखिए, यहाँ ग्राफिकली समझते हैं इसको। हमने क्या किया है, ग्राफ जब भी हमको बनाने के लिए आता है या ग्राफ से हम कोई चीज जब कैलकुलेट करना चाहते हैं तो देखो, वेरिएबल, जब कभी भी वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ बना होता है, सब बच्चे ध्यान से सुने इसको, जब कभी भी वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और उसमें ऐसे वेलोसिटी दी हुई है और इसका स्लोप अगर हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, कोई बताएगा? इसका स्लोप अगर निकालना है, नॉर्मल स्लोप तो आपने पढ़ा हुआ है, नॉर्मल स्लोप कैसे निकालते हैं भाई? कॉन्स्टेंट के लिए स्लोप कैसे निकालते हैं? क्या फॉर्मूला होता है स्लोप निकालने? हाँ, बिल्कुल। देखो ये करते हैं ना, ये यहां से इसको करिए, ये हो गया ओ, ये ए, ये हो गया बी। तो अगर हम आपसे स्लोप पूछे OA, तो OA कैसे निकालेंगे आप? OA कैसे निकालेंगे भाई? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। स्लोप जो OA है वो क्या आ जाएगा आपका? AB अपॉन OB, यही होगा ना।
स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा है नहीं पढ़ा है? यस यस। हाँ, और स्लोप, स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, टेन थीटा बोलते हैं। स्लोप को ही क्या बोला जाता है, टेन थीटा बोला जाता है। ये जो टेन का एंगल यहाँ से, जितना एंगल टेन यहाँ से बना रहा होता है, ठीक है, या ये जो लाइन है आपकी स्लोप वाली, वो जो बेस से जो एंगल बना रही है ओरिजिन से, वो एंगल क्या कहलाता है, वो टेन थीटा कहलाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सा रेशियो है जो स्लोप दिखाता है, आपने वो पढ़ा है अभी, अरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी। हाँ, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है ना। पूरा स्लोप का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, एम इज इक्वल टू टेन थीटा, ये पढ़ा है। हाँ, तो एम की वैल्यू वन कब होती है, टेन फोर्टी फाइव पे, ठीक है, टेन फोर्टी फाइव पे एम की वैल्यू वन हो जाएगी। और जैसे जैसे ये स्लोप ऊपर जाएगा, एम ग्रेटर देन वन होगा या लेस देन वन होगा, बताओ कब लेस देन वन होगा, कब ग्रेटर देन वन होगा। टेन की वैल्यू कैसे कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है, टेन की वैल्यू जीरो से आगे जाने पर, हाँ बिल्कुल, जैसे बिल्कुल जैसे एंगल बढ़ेगा, जैसे साइन में होता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे टेन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अभी के लिए इतना समझो, जो स्लोप होता है उसको हम कैसे दिखाते हैं, टेन थीटा से दिखाते हैं, क्लियर है। और टेन थीटा को हम क्या बोलते हैं, एम से भी लिखते हैं, एम इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा निकालने का या एम निकालने का और क्या तरीका है, तरीका यही है ना, ए बी अपॉन क्या होता है, ए बी अपॉन ओ बी। ये कहां से आया, ए बी अपॉन ओ बी कहां से आया, हमने क्या लिया है, वाई एक्सिस पे जो दो पॉइंट थे ना, वाई एक्सिस पे मान लो ये वाला पॉइंट क्या था, वाई वन, ये वाला क्या था, वाई टू। एक्स एक्सिस पे मान लो, एक्स पे मान लो ये वाला पॉइंट वाई एक्स वन था, ये एक्स टू था। तो क्या किया हमने, इन दोनों के बीच की गैपिंग यहां दिख नहीं रहा है, अच्छा इधर बनाते हैं, इधर आते बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं, वेरिएबल वाला बाद में देखते हैं, पहले अभी कॉन्स्टेंट समझो। ये मान लीजिए स्लोप है और इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, आपने क्या किया, यहां से देखिए ये वाला पॉइंट मान लीजिए क्या है, वाई टू है, और ये इनिशियल पॉइंट मान लीजिए वाई वन है। इसी तरह से नीचे वाला x पे x1 हो गया, ये क्या है, x2 है। अब जब आप ये स्लोप निकाल रहे हैं जिसको आप tan थीटा बोल रहे हैं, इसका तरीका क्या निकालने का है, tan थीटा को आप इस तरह लिख सकते हैं, y2 minus y1 divided by x2 minus x1, बोलो। Yes, sir. y2 minus y1 क्या है, यही तो है, ab तो है भाई, इसके बीच की डिस्टेंस ab के बीच की। और ये क्या है, ob, नीचे वाली डिस्टेंस क्या, ob, इसी को आप ab divided by ob लिख सकते हैं, बोलो समझ में आ रहा है। ये स्लोप निकालने का ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, यही डिस्टेंस है ना, इसी को आपने y2 minus y1 बोल दिया है, और नीचे वाली डिस्टेंस जो बेस है उसी को आप x2 minus x1 बोल रहे हैं, यानी x2 को x x1 minus करेंगे तो ये आपको OB मिल जाएगी। क्लियर है बच्चों, सबको समझ में आ रहा है, बोलो। हाँ, नहीं आ रहा है तो पूछ लो ना, कोई फायदा नहीं है, ये बहुत बेसिक चीज है, ये तो नाइन्थ की चीज है ना, ये तो आपको पता होनी चाहिए, इससे तो क्वेश्चन हो सकता है, एनटीएससी पूछ ले। ये वेरिएबल वेलोसिटी वाला केस नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस है, कि कांस्टेंट वेलोसिटी में आप टेन थीटा या स्लोप या एम कैसे निकालते हैं, सब एक ही चीज के नाम है, ठीक है, टेन थीटा बोल दो या इसको एम बोल दो या इसको स्लोप बोल दो, एक ही चीज है, ठीक है। अब आते हैं वेरिएबल वाले पर, कि वेरिएबल में कैसे होता है, चलो इसको मिटाते हैं। अगर आप वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ बना हुआ है आपके पास ये इस तरह से, हम आपसे कहें बताइए स्लोप बताइए इसका, आप स्लोप कैसे निकालेंगे बताओ, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे। देखिए एक चीज समझिए, स्लोप का मतलब क्या होता है, जब भी स्लोप बोला जाए इसका मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, टेंजेंट। स्लोप का मतलब क्या, स्लोप का मतलब हमें क्या निकालना है इसमें वेरिएबल में, टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है हमको यहां पर। अच्छा, टेंजेंट की वैल्यू हमेशा स्लोप हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्यों, जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ पे आपका दे रखा है ए और एक पॉइंट दे रखा है बी, अब ये बताओ ए और बी के बीच अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो ए और बी के बीच जो लाइन बनेगी वो कैसी होगी, स्लोप होगी क्या, ये स्लोप है, मतलब ये टेंजेंट है, स्लोप तो है, स्लोप है, लेकिन ये क्या टेंजेंट है, नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, अरे इसको क्या बोलते हैं ज्योमेट्री में, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कहाँ बोलते हैं, सेकेंड, हाँ सेकेंड, ठीक है, ये सेकेंड है ना, बोलो ये तो सेकेंड है। अच्छा सेकेंड
अच्छा अगर आपको ये ए और बी के बीच की वेलोसिटी निकालनी है तो यही तरीका है निकालने का, तो हमारे पास यही तरीका है। बोलो ये वाला, ये हमारा ट्राइंगल बन गया, इसको ओ पॉइंट मान लेते हैं, ए ओ बी। अब अगर आप ए और बी के बीच जब वेलोसिटी निकालने जाएंगे तो वो इंस्टेंटेनियस मिलेगी या वो मिलेगी एवरेज, सोच के बताओ। ए और बी पॉइंट के बीच ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ए और बी, हाँ ए और बी के बीच आप निकालने जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है एवरेज मिलेगी, उसके बीच में कितने सारे पॉइंट्स हैं दिख रहा होगा, ए और बी के बीच में इंस्टेंटेनियस कैसे मिल जाएगी। ए और बी के बीच में आप जब भी वेलोसिटी निकालने जाएंगे आपको कैसी मिलेगी, एवरेज मिलेगी। अच्छा अगर आप चाहते हैं कि आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिले तो आपको क्या करना पड़ेगा बताए कोई सोच के। अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो आपको ये दोनों पॉइंट्स को पास लाना पड़ेगा या नहीं, बोलिए। बहुत पास करना पड़ेगा एक दूसरे से, बहुत पास करना पड़ेगा, इतना पास लाना पड़ेगा कि क्या हो जाए, बिल्कुल एक दूसरे में क्या हो जाए, मर्ज होते हुए दिखे, है ना, एक दूसरे के इतनी ज्यादा पास आ जाए, क्योंकि अगर इनके बीच में थोड़ी भी गैपिंग रहेगी तो वो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस नहीं कहलाएगी ना, वो थोड़ी हाँ वो थोड़ी सी डिस्टेंस। देखो एवरेज कई तरह की हो सकती है, एक तो फुल एवरेज हो गई, आपने पहला पॉइंट लिया आखिरी लिया उसका भी एवरेज निकला, फिर आपने सेकंड लास्ट लिया ठीक है उसका भी एवरेज निकाल लिया आपने, यानी जैसे हमने यहाँ पे लिखा था आपका ए बी सी डी ई एफ ठीक है जी, ये पॉइंट्स हैं, ए और सबसे लास्ट वाले पॉइंट के बीच निकालोगे तो भी एवरेज होगी ठीक है, डी और एफ के बीच निकालो तब भी एवरेज होगी, यानी कोई भी दो पॉइंट्स उठाइए उनके बीच निकाल लीजिए एवरेज ही रहेगी, वो अलग बात है कि वो एवरेज छोटा होता चला जाएगा लेकिन रहेगा तो एवरेज ना। इंस्टेंटेनियस कब बनेगा ये बताओ, एवरेज से इंस्टेंटेनियस वाली जर्नी पे हम कैसे आएंगे, जब हम इस ये जो डेल्टा है यानी जो डेल्टा एस है इसको बहुत छोटा कर देना, जो ये जो डेल्टा एस है जो डिफरेंस है उसको बहुत छोटा कर दें। अब इन दोनों देखो ये दोनों पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनो, ये दोनों पॉइंट्स के बीच निकालेंगे तो भी एवरेज आएगा, इनको पास कर दो फिर भी एवरेज आएगा, इनको पास और पास लिया फिर भी एवरेज आएगा, ये कब तक एवरेज ही कहलाएगा, जब तक तो ये बहुत पास ना आ जाए, इतने पास कि उसके बाद अगर और पास लाए तो फिर वो सिंगल पॉइंट बन जाएगा, बात समझ में आ रही है, बोलो। बहुत पास, दो पॉइंट्स को बहुत 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 पास लाना है, इतना पास लाना है कि उनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट गैप है वो डेल्टा एस से क्या बन जाए, डीएस बन जाए, यही तो पढ़ा पीछे भी हमने, इतना छोटा हो जाए, इतना छोटा हो जाए, इसी को बोलते हैं कि जो एस है वो जीरो को टेंड कर रहा हो, टेंडिंग टू जीरो, मतलब जीरो है नहीं लेकिन बिल्कुल जीरो के पास पहुंच रहा है, जीरो होने ही वाला है, यानी अगर आप डीएस से और छोटा गैप करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, जीरो का मतलब है गैपिंग जीरो हो गई, गैपिंग जीरो होने का मतलब क्या है, एक सिंगल पॉइंट पे पहुंच गए आप, तो वो भी नहीं करना है हमको, अगर एक सिंगल पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो कोई गैपिंग नहीं मिलेगी, गैपिंग नहीं मिलेगी तो वेलोसिटी निकलेगी नहीं, वेलोसिटी के लिए तो आपको चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन टाइम भी चाहिए, तो आपको इतने करीब लाना है दो पॉइंट्स को, इतने करीब लाना है कि बस उससे छोटा उससे करीब लाना पॉसिबल ना हो, तो इसका मतलब यह है कि इस ए और बी को अगर आप बहुत 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 पास लेकर आए और उसके बाद वहां का स्लोप अगर निकालें तो वो कौन सी वेलोसिटी देगा, बोलो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सोचो अगर इनको बहुत पास लेकर आते हैं तो क्या आपको नहीं लगता है कि आपका जो सेकेंड है वो टेंजेंट बन जाएगा, इमेजिन करो क्या सेकेंड टेंजेंट नहीं बन जाएगा, भाई ये ए था ये बी है, अभी आप इनके इन इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन बना रहे हैं वो क्या बन रही है आपकी, बोलिए भाई वो सेकंड बन रही है, क्यों, क्योंकि ये दूर है, क्योंकि ये दूर है इसलिए सेकंड बन रही है, सोचो ये बहुत पास आ गए हैं, अब बताइए बिल्कुल पास आ गए हैं तो अब यहां पे जो लाइन बनाएंगे वो क्या बनेगी, वो भी सेकंड बनेगी क्या, ये बनेगी ना लाइन, देखो ये क्या है, हाँ, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप सेकेंड से टेंजेंट पे आ जाते हैं तो फिर जो ये जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो क्या देगा आपको, एवरेज वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आपको जब भी आप सेकेंड की वेलोसिटी निकालेंगे यानी दो पॉइंट्स दूर दूर हैं तो जो भी वेलोसिटी निकलेगी वो एवरेज वेलोसिटी होगी। तो ग्राफिकली आप समझना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अगर आपको एक स्लोप दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए, तो आप यहाँ पे क्या बनाइए, टेंजेंट बनाइए किसी एक पॉइंट को छूकर जाता हुआ ठीक है, और वहां पे फिर आप उसकी ds अपॉन dt से वेलोसिटी निकाल दीजिए तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी। देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए सेकंड जो है वो बहुत पास आ गया तो क्या बन गया, देखो टेंजेंट बन गया, देखो एनिमेशन दोनों एनिमेशन में आपको यही दिख रहा है, इसमें भी यही दिख रहा है और यहां पे भी, ध्यान से देखिए क्या देख पा रहे हैं, यस सर, हां
देखिए हम दो पॉइंट्स को कितना पास ले आए, कितना दूर दूर थे ये, x प्लस डेल्टा x कितना दूर था, और पास ले आए और पास ले आए, तो ये क्या बन गया, डेल्टा x का dx बन गया आपका। यहां पे भी यही हो रहा है, इस वाले में भी यही हो रहा है, दूसरे वाले एनिमेशन में देखो। ये ग्राफ समझना बहुत जरूरी है, सभी बच्चे देखें, कहीं पे ना समझ में आए तो पूछें। सेकंड वाले में भी यही हो रहा है, देखो पास आ रहे हैं ना दो पॉइंट्स, दो पॉइंट्स को पास क्यों ला रहे हैं हम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाहते हैं ना, इसीलिए तो पास ला रहे हैं। हाँ, तो दो पॉइंट्स को आप बहुत पास ले आएंगे तो आपका सेकंड ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड टेंजेंट में, बिल्कुल बिल्कुल। और इस पे आपको नहीं लगता कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, कैसे बन सकता है कि अगर आप एवरेज वेलोसिटी कोई ग्राफ आपको दे दें या ना भी दें, ऐसे ही उन्होंने लैंग्वेज में क्वेश्चन बना दिया कि अगर आप कोई सेकंड है और अगर आप वहां उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो सेकंड को आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, चार ऑप्शन दे दिए उठा के। सब लोग ध्यान से देखो, समझ में आ गया हो तो बताओ, आगे चलें। चीजें आसान है, सब धीरे धीरे बिल्कुल क्लियरिटी होने लगेगी कि ये होता क्या है। ठीक है, ये देखिए यहां पे हमने जब टेंजेंट बनाया तो वो टेंजेंट कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा जिसको हम टेन थीटा बोलते हैं। तो अब इंस्टेंटेनियस के लिए टेन थीटा की का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाई टू माइनस वाई वन वाला नहीं रहेगा अब, है ना भाई। वाई टू माइनस वाई वन तो एवरेज के लिए पढ़ा था ना हमने फॉर्मूला, याद करो भाई, टेन थीटा का जो फॉर्मूला वाई टू माइनस वाई वन वाला पढ़ा था उसमें तो फिर एवरेज निकल के आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या हो जाएगा बेटा फॉर्मूला, ये डी एस अपॉन डी टी। तो एक टेन थीटा का भी यही फॉर्मूला बन जाता है स्लोप की वजह से, क्योंकि स्लोप अल्टीमेटली आपको या तो वेलोसिटी देगा और या तो एक्सेलरेशन देगा, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना हुआ है तो। क्या समझाना चाह रहे हैं उसको समझो बहुत ध्यान से। ये देखिए हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, टेक्निकली अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो वो ये है कि आप जिस भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, किसी भी पॉइंट का अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, देखिए ये पॉइंट का टेंजेंट हो गया, ठीक है, इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं, देखिए हर एक पॉइंट का टेंजेंट आपको अलग अलग एंगल देगा, तो देखने से भी लग रहा है वैसे वो, ये देखिए अभी फिलहाल तीन बनाते हैं, ये देखिए ये एंगल, देखिए ये एंगल, देखिए ये एंगल, तीनों अलग अलग, बताओ तीनों एंगल अलग अलग है, बोलो बेटा। ये अलग अलग एंगल का मतलब क्या है, तीनों का टेन थीटा अलग है, यानी तीनों का टेंजेंट अलग अलग आ रहा है, तो ये टेन थीटा ही तो हमें स्लोप देता है ना निकाल के, स्ट्रेट लाइन में भी स्लोप कौन निकाल के देता है, ये देखिए ये एंगल स्ट्रेट लाइन में भी स्लोप हमको कौन, हर जगह एंगल सेम होता है स्ट्रेट लाइन में, समझो ध्यान से, हर जगह स्ट्रेट लाइन में एंगल सेम होता है, आप यहाँ पे बना दीजिए सेम होगा नहीं होगा बताओ, यहाँ पे बना दीजिए हर जगह ये थीटा ही होगा, बोलो ध्यान से देखो। अब बात समझ आए कि जो स्ट्रेट लाइन जाती है उसके वेलोसिटी सेम क्यों रहती है, क्योंकि उसका हॉरिजॉन्टल से हर जगह एंगल कैसा रहता है, बराबर रहता है, लेकिन जो कर्व्ड लाइन है उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल बदल रहा है ना, ये देखिए थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, बोलो। अच्छा अगर तुमसे पूछे कि बताओ किसका स्लोप ज्यादा है तीनों में, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या आंसर होगा बताओ, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 में स्लोप किसका ज्यादा है, इतना आसान क्वेश्चन है, तुम लोग लॉगिन ही क्यों हुए हो, अगर तुम्हें सोना है तो तुम आराम से सो सकते हो, मैंडेटरी नहीं है क्लास, ये कौन सा ज्यादा होगा, इसमें थ्री, ठीक है थ्री ज्यादा इसलिए होगा क्यों, क्योंकि देख रहे हैं आप यहाँ पे दिख रहा है एंगल इसका ज्यादा ही है, देखने से पता चल रहा है, ठीक इसका एंगल काफी कम है, और आप इस तरह भी देख सकते हैं कि जो लाइन वाई एक्सिस के ज्यादा करीब है, ठीक है इसकी डिस्टेंस वाई एक्सिस से ज्यादा पास है उसका स्लोप ज्यादा होगा। अच्छा दूसरी तरफ घुमा के पूछे वेलोसिटी किसकी ज्यादा है, थीटा वन की थीटा टू की थीटा थ्री की, ऐसे पूछ सकता है ए बी सी, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, अरे जिसका स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है ना, क्लियर है, जिसका टेन थीटा ज्यादा जिसका स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा, इतनी बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है। अब यहाँ पे हर जगह का टेंजेंट अलग अलग होता है, इसलिए आपको हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग मिलती है ना, हर पॉइंट की वेलोसिटी, हर पॉइंट की वेलोसिटी निकालने के लिए आपको हर पॉइंट पे टेंजेंट बनाना पड़ेगा, है ना, वहां पे टेंजेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी,
अब वो टेंजेंट की वैल्यू अलग अलग तरह से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको थीटा वन की वैल्यू दे रखी होती है, सपोज करो 30 डिग्री, अब आप बताइए यहां पे वेलोसिटी कितनी होती है? कौन बताएगा? इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालिए। थीटा थ्री की वैल्यू आपको दे रखी है 60 डिग्री, इस पॉइंट की वेलोसिटी बताइए। फिर खामोश, क्या करें बताओ। देखो चल सुनो, कोई बात नहीं। देखिए यहां पे अभी हमने बताया था स्लोप मतलब tan थीटा मतलब वेलोसिटी है ना। यस बताया था। हाँ तो आप बता दीजिए क्या दिक्कत है आपको, tan थीटा निकालना नहीं आता? हाँ 1/√3, यहाँ की क्या होगी? √3 है ना। अब बात समझ में आई? बोलो। हाँ तो ये आप सिर्फ थीटा आपको दिया होगा, कहीं पे भी आप वेलोसिटीज निकाल सकते हैं सबकी अलग अलग तरह से। तो ये एक बेसिक समझ है, वैसे तो ये आपको अभी इस लेवल पे ही पता होना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है कोई बात नहीं। आप समझ में आ गया कि हमें अलग अलग स्लोप अगर आएगा तो वहां पे क्या होगा, वेलोसिटीज अलग अलग होंगी। देखो वो सिर्फ कर्व नेचर का ही नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ऐसे ऐसे ही, देखिए है ना। ऐसे मान लीजिए एक जगह स्लोप ऐसे बना हुआ है तो वहां ऐसे ऐसे जा रही है, देखिए। अब यहाँ तो कर्वेचर नहीं है तो क्या ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म है क्या, बताओ? नहीं। हाँ नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि स्लोप अलग अलग है सबका। आप स्लोप निकालेंगे सबका हॉरिजॉन्टल से, थीटा सब अलग अलग तरह से बना रहे हैं। इतनी बात क्लियर है सबको ना? हाँ तो अब क्या होता है, हमको क्या होता है जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी होती है तो हर एक पॉइंट पे स्लोप अलग होने की वजह से तुमसे जैसे कोई पूछ ले कि बताइए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में ऐसी कौन सी चीज है जो अलग अलग रहती है, आप कैसे पता लगा लेते हैं कि हर एक पॉइंट की वेलोसिटी अलग होगी? बेसिक सा सवाल है ना, कैसे पता लगा लेते हैं हर एक पॉइंट की? आप क्या कहेंगे? उसका कर्वेचर है इसलिए। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना, कर्वेचर है तो इसलिए कैसे? फिर भी अगला सवाल बनेगा कि भाई कैसे कर्वेचर है तो अलग अलग कैसे होंगी, तो फिर आप वहां पे चुप हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि वहां पे स्लोप अलग अलग आ रहा है, आप कहेंगे देखो हॉरिजॉन्टल से एंगल अलग अलग बना रहा है, लाइन बना के दिखा दो, तो क्या है हॉरिजॉन्टल से एंगल अलग अलग नहीं है? तो पूछेगा अच्छा हॉरिजॉन्टल से एंगल सेम कहां रहता है, तो आप ये वाला बना के बताइए कि देखो हॉरिजॉन्टल से एंगल यहां सेम रहता है। कोई भी स्ट्रेट लाइन खींचिए आप, ठीक है, जैसे अगली स्ट्रेट लाइन ये ले ली हमने। अब इसमें देखिए जितना ये एंगल थीटा बन रहा होगा उतना ही हर पॉइंट पे बन रहा होगा, है ना। ऐसे ये देखिए हर पॉइंट पे उतना ही बन रहा होगा, तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप सेम है हर जगह, हर पॉइंट पे वो हॉरिजॉन्टल के साथ वही एंगल बना रहा है जो ओरिजिन के साथ बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे हर पॉइंट पे अलग अलग है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये वेरिएबल वेलोसिटी वाला केस है, क्लियर है? चलो इतनी बात। अब देखिए ध्यान से, अगर आप एक एक पॉइंट की वेलोसिटी निकाल रहे हैं, मान लीजिए वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, एक एक पॉइंट की, तो हमने आपको क्या बताया था कि पूरी वेलोसिटी एक साथ निकालेंगे तो वो आएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। आपको क्या करना है, एक सिंगल पॉइंट की निकालनी है तो आपको दो पॉइंट्स को बहुत करीब 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 बहुत पास लेकर आना होता है, इतना पास लेकर आना होता है कि अगर आप उससे ज्यादा पास लेकर आए तो क्या हो जाएगा, हाँ वो सिंगल पॉइंट हो जाएगा, सिंगल पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्लियर है। तो बहुत छोटा कर देते हैं हम डिस्प्लेसमेंट को, बहुत छोटा कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट छोटा हो जाएगा तो टाइम भी छोटा हो जाएगा अपने आप, है ना। तो वो जो बहुत छोटा सा टाइम होता है, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता है, जो पहले डेल्टा वाई था वो कहलाता है डी वाई, और जो टाइम पहले डेल्टा एक्स था वो कहलाता है डी एक्स, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बोलिए क्लियर है? यस। आप डी एस अपॉन डी टी लिखिए, आप ds upon dt क्यों लिख रहे थे, क्योंकि y एक्सिस पे s था और x एक्सिस पे t था। अब y एक्सिस पे y है और x एक्सिस पे x है, तो हम क्या लिख देंगे, dy by dx। तो आपने ये लिखा हुआ देखा होगा बहुत जगह dy by dx, कैलकुलस का मतलब dy by dx, dy by dx यही है, क्योंकि y एक्सिस पे क्या ले लिया आपने, डिस्प्लेसमेंट ले लिया है और x एक्सिस पे टाइम ले लिया है, तो dy by dx वो छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट है dy, और कितने टाइम में, dx टाइम में, ठीक है। तो वो दोनों का डिवीजन क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। क्लियर है इतनी बात? अच्छा यही dy by dx को ध्यान से सुने सभी बच्चे, क्या हम tan थीटा नहीं लिख सकते? हाँ है ना, लिख सकते हैं ना भाई, ये तो स्लोप है ना, तो ये भी स्लोप है, दोनों स्लोप है ना बेटा, बताओ। हाँ एक ही बात है, इसको समझो बस, खाली यही m है, यही स्लोप है, यही वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से कि अगर अब ये हमने आपको जैसे बताया था कि dy by dx में हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल एलिमेंट मानते हैं एक, और फिर उससे उसकी वैल्यूज निकालते हैं, जितनी भी, जैसे मान लीजिए
आपको कैसे दिया होगा, एक्स ऐसे दे रखा है आपको, ये वाई सॉरी, ये जो दूर डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, पहले एक बार और समझो, वाई एक्सिस पे क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, एक्स एक्सिस पे क्या था, टाइम था, क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम से रिलेटेड था या नहीं, ऐसे जनरल बता रहे, डिस्प्लेसमेंट हमेशा टाइम से रिलेटेड होगा या नहीं बताओ, क्या ये इंडिपेंडेंट हो सकता है टाइम के, नहीं, हमेशा जो भी वाई एक्सिस पे होगा वो एक्स एक्सिस से क्या होगा, रिलेटेड होगा उस, और इसको थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज बोलते हैं, उसका फंक्शन होगा, क्या बोलते हैं, फंक्शन होगा, जैसे हम कहें वाई एक्स से रिलेटेड है तो हम ऐसे बोलेंगे वाई एक्स का फंक्शन होगा, ठीक है, यानी वाई की वैल्यू एक्स के टर्म में कुछ ना कुछ आएगी, बगैर टाइम के तो आप डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते, कर सकते हैं क्या बताइए, बगैर टाइम के आप डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, देखो हमने दो एक्सिस बनाई, सब बच्चे ध्यान से सुनो, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये है आपका टाइम और ये है आपका स्पेस, आप स्पेस में जब मूव करते हैं तो टाइम चलता है इसका, बताओ भाई, जब आप स्पेस में मूव करते हैं तो टाइम चलता है ना हमारे साथ, बिल्कुल चलता है, हाँ, तो हर बॉडी स्पेस में टाइम के साथ मूव कर रही है, हम सब लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा ऐसा पॉसिबल है आप ना मूव कर रहे हो फिर भी, जैसे वैसे तो आप मूव कर रहे हैं दोनों के बीच में ऐसे चल रहे हैं, लेकिन अगर आप कहीं खड़े हुए हैं फिर भी आप टाइम के रेस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में तो मूव कर रहे हैं ना, बोलिए, यहीं से E इक्वल टू एमसी स्क्वायर जो बनाया है आइंस्टाइन का, कभी बताएंगे कैसे आया है वो, कि कोई मास अगर पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई भी मास अगर पड़ा हुआ है मूव नहीं कर रहा है तो वो स्पेस के टर्म में मूव नहीं कर रहा है, लेकिन टाइम के टर्म में तो मूव कर रहा है ना वो, आइंस्टाइन ने यही कहा था कि वो टाइम के टर्म में तो कम से कम मूव कर रहा है, यानी स्पेस और टाइम दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, समझाने का भी मतलब ये है, अभी बहुत आगे नहीं चलते हैं, अब देखिए यहाँ पे ये हमने कहा कि y हमेशा जैसे dy by dx लिखा है, या मान लीजिए ds upon dt लिखा है ना, इन दोनों में से कुछ भी लिखा है, तो ऊपर वाला जो y होगा वो नीचे वाले x से हमेशा रिलेटेड होगा, उसके टर्म में उसकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी, अदरवाइज इसका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे ही s के टर्म में हमेशा t के टर्म में s की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी, जैसे पहले आई थी 5t स्क्वायर, याद करो, अरे आया था 5t स्क्वायर निकाला था, जो न्यूटन की इक्वेशन है उसमें भी देखिए आप रिलेशन कैसे शो करते हैं तीनों में, तो ये हमेशा रिलेटेड होंगे, तो dy by dx अगर कहीं दिया है तो आपको शॉर्ट में दिया होगा कि y की वैल्यू कुछ भी x के टर्म में दे रखी होगी, मान लो x स्क्वायर दे रखी है ऐसे, अब क्या करेंगे आप उसको यहां पे पुट करेंगे, किसकी जगह पे, y की जगह पे, ऐसे है ना, बोलो, और इसका डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हमने आपको लास्ट टाइम बताया था, क्या फॉर्मूले है ना स्क्वायर वाले के, स्क्वायर के फॉर्मूले हमने क्या बताए थे, डी एक्स टू दी पावर एन अपॉन dx, इसकी क्या होती है, n बाहर आ जाता है, x ये होता है, ऐसे, तो अब बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप 2 बाहर आ जाएगा और x की पावर 1 हो जाएगी, 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, 2x कितनी बार समझ आ रही है, जब तक यहाँ पे, अब ध्यान से सुने सभी बच्चे, जब तक यहाँ पे कोई ऐसा टर्म नहीं लिखा होगा जो यहाँ से रिलेटेड हो, यानी नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ये सिर्फ उसी को डिफरेंशिएट करेगा जो इसी का रिश्तेदार हो, ठीक है, x कभी y को डिफरेंशिएट नहीं करेगा, ना t को करेगा ना थीटा को करेगा, क्लियर है, अगर y की वैल्यू x के x स्क्वायर के टर्म में नहीं दे रखी है, t के टर्म में दे रखी है, sin थीटा के टर्म में दे रखी है, ये कभी डिफरेंशिएट नहीं करेगा उसको, इसकी अपनी लिमिटेशंस है, इतनी बात समझ में आई कुछ नहीं, yes. बोलो, जैसे ds upon dt है तो s की वैल्यू t के टर्म में होनी पड़ेगी, अदरवाइज ये डिफरेंशिएट नहीं करेगा, इस ऑपरेटर में उसको डालते जाओ कुछ नहीं होने वाला है, बोलो इतनी बात क्लियर है नहीं, हाँ, अच्छा एक बात बताओ, ये जो स्लोप था जो कि हमने स्लोप आपको बताया, तो इस स्लोप में मान लीजिए कि जो कोई किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर मान लीजिए आपको दे रखी है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नहीं, ये स्लोप है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, ठीक है, और आपको दे रखा है जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो मान लीजिए ये है आपका 1, ये है 2 और टाइम में ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ऐसे दे रखा है, इसका क्या मतलब, मतलब क्या है इसको एक्सप्लेन करिए सभी लोग, ऑब्जेक्ट रेस्ट सर टाइम के रिस्पेक्ट में चल रहा है, इस ग्राफ को एक्सप्लेन करिए जरा, पढ़ने में ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, हां कहां पे सर, वो अपने इनिशियल सर वो पहले कहां पे रेस्ट पे है,
अरे यार 2 मीटर पे रुका हुआ है ना, अगर आप इसको मीटर में ले रहे हैं या सेंटीमीटर जिसमें भी, 2 पे रेस्ट पे है ना, टू तक तो चल चल गया है ना वो, बोलो 2 पे कहाँ है, रेस्ट में है। इसका मतलब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ऐसे दे रखी है 2, तो ये क्या दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट 2 पे है, आगे बढ़ नहीं रहा है। मान लो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपको दे रखी है 6, ये क्या दिखा रहा है, अरे ऑब्जेक्ट 6 पॉइंट पे रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा है, क्लियर है ना इतनी बात, बताओ है ना। तो इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट या वाई एक्सिस पे जो कुछ दिया है, वाई दिया है, एस दिया है, जो भी दिया है, उसकी वैल्यू अगर 2, 3, 4, 6 इस तरह से कोई कांस्टेंट दे रखा है, तो इसका मतलब वो मूव नहीं कर रहा है, बोलो। तो ऐसे यहाँ वेलोसिटी कितनी है, हाँ जीरो, बिल्कुल जीरो होगी ना, कि जब मूव नहीं कर रहा है तो वेलोसिटी कैसे हो सकती है, जीरो वेलोसिटी होगी, क्लियर है इतनी बात, बोलो। हाँ यहां से क्या समझ में आ रहा है कि आप, अब ये डायरेक्ट बताया जाता है सब कुछ, अब ये y इज इक्वल टू x स्क्वायर दिया हुआ था हमने, उसको डिफरेंशिएट कर दिया उठा के, मान लीजिए आपको दिया है y इज इक्वल टू 4, आप निकालिए dy बाई dx इस ग्राफ से, समझो बताओ बेटा, हेलो हाँ बताओ, ठीक, हमें भेज देना, हमें भेज देना, अच्छा भाई ठीक, अरे भाई खाली ग्राफ से बता दो, डी वाई डी एक्स में जाने की जरूरत ही नहीं है, कॉमन सेंस हमारा बता रहा है कि वो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे रुका हुआ है, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज होगा तभी तो वेलोसिटी होगी, यस है ना, वो यूनिफॉर्मली चेंज होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, नॉन यूनिफॉर्मली चेंज होगा तो वेलोसिटी कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी है ना, इसमें आपको फिर डी वाई डी एक्स निकालना पड़ता है, अगर वो कोई कॉन्स्टेंट है तो क्या है मतलब इसका, जीरो है, बोलो बेटा क्लियर है इतनी बात। अब ये ऐसे रटाया जाता है कि आप अगर आप इस तरह से लिखेंगे, ऐसे आपने लिख दिया 4 या कोई भी कांस्टेंट आपने लिख दिया ऐसे, ठीक है कोई भी कांस्टेंट आपने लिख दिया इस तरह से, और dx के टर्म में उसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमेशा 0 देगा, क्यों देगा आप समझ में आ गया है ना, क्यों देगा 0, क्योंकि वो रुका हुआ भी चल ही नहीं रहे, वो क्लियर है बेटा बताइए, यस हाँ। तो इस ऑपरेटर में अगर आप कोई कांस्टेंट डालेंगे, ठीक है, उसका मतलब ये कि वेलोसिटी उसकी 0 आएगी, हमेशा 0 आएगी, क्यों आएगी बताया भी हमने, और कोई भी ऐसा टर्म डिफरेंशिएट नहीं होगा जो x से रिलेटेड नहीं होगा, कभी भी ऐसा टर्म कभी भी डिफरेंशिएट नहीं होगा, अगर मान लीजिए ऐसा टर्म दे दिया जाए तो क्या करेंगे ये भी बताएंगे, ठीक है फिलहाल के लिए इतना समझ में आया। जैसे मान लीजिए आपको एस की वैल्यू दे रखी होती 6t³, बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ, भाई देखते बता देना चाहिए तुम लोग को, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ, एस की वैल्यू दे रखी है 60 क्यूब, एस इज इक्वल टू 60 क्यूब, आपसे पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो निकालेंगे आप ds अपॉन dt से, यही तो होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो ds अपॉन dt क्या हो जाएगा, ये देखिए अपॉन डी टी आपको पता है डिफरेंशिएट कैसे होता है, 3 आ जाएगा 6 के पास और ये हो जाएगा 3 - 1, तो ये देखो 18t² आ गया, इतना सोचने की जरूरत थोड़ी ना है। मान लीजिए अगली वैल्यू आपको दे रखी होती s इज इक्वल टू 7t², बताओ ds अपॉन dt क्या होगा, 14t, t कहाँ जाएगा, मान लीजिए आपको s की वैल्यू दे रखी है 4t, बताइए ds अपॉन dt, वन हो जाएगा ना वो तो, ठीक है क्यों बताया था, वन क्यों हो जाएगा, उसका वन इधर आ जाएगा, फिर 1 - 1 0, किसी की पावर 0 क्या होती है, वन, यशस्वी निकालना नहीं है ना तुमको, जो दूसरे बोले बस, यस वही है ठीक, और क्लियर, अभी भी और कराते प्रैक्टिस, देखो मान लीजिए आपको वैल्यू दी है dy इज इक्वल टू 5t² और आपसे पूछ रहा है dy बाई dt, निकलेगा निकलेगा या नहीं निकलेगा, पहले बताओ निकलेगा या नहीं निकलेगा, टू यहाँ जाएगा और ये हो जाएगा टू के बाद, अब इतना ही सब करने की जरूरत नहीं आप, हाँ 10t बिल्कुल ठीक है। देखिए आपको वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए एस इज इक्वल टू दे रखा है आपको 5t² + 3t,
चलो डीएस बाई डी टी निकाल लो, डीएस बाई डी टी। अब आप दोनों जगह अलग अलग लगाएंगे, फाइव को इधर बाहर निकालिए, यहाँ आ जाएगा डी टी स्क्वायर अपॉन डी टी प्लस थ्री इंटू डी टी अपॉन डी टी। अब ये देख ही रहा है, वन हो जाएगा कट कट के सब पूरा, है ना। तो ये क्या दे देगा आपको, फाइव इंटू ये टी स्क्वायर का इधर आ जाएगा आपके पास, और ये टी बचेगा प्लस यहाँ कितना होगा वन, तो थ्री बचेगा खाली, कितना होगा टेन टी प्लस थ्री। देखिए बोलो ठीक है, नहीं समझ में आया यस। इससे आगे बढ़ के आपसे ये पूछ सकता था कि एक्सेलरेशन भी बताइए इंस्टेंटेनियस, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी, भाई ये वी निकाला है ना आपने, ये वी तो है, बोलो yes, yes. ये वी निकाला है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन आ जाएगा तो 10 ये कितना हो जाएगा डी टी अपॉन डी टी प्लस ये जीरो हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है, चलो रख ही लेते हैं इसको, तो जीरो हो जाएगा ना, यस कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, तो ये क्या दे देगा आपको 10 दे देगा खाली, ये होगा आपका एक्सेलरेशन। नहीं समझ में आ रहा है सर, बताओ। अभी जो हम लोग डिफरेंशिएट करना सीख रहे हैं, देखिए डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमें पता है जीरो होता है, ये जो डिफरेंशिएशन हो रहा है ये पॉलीनोमियल्स का डिफरेंशिएशन है। पॉलीनोमियल तो है ये, पॉली मतलब एक से ज्यादा, बोलो राम जिसमें, तो पॉलीनोमियल्स का डिफरेंशिएशन देख रहे हैं हम लोग, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखेंगे, फिर लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन देखेंगे, लॉग्स को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है सारी चीजें। ये बिल्कुल बेसिक मैथमेटिकल टूल है जो आपको 11th में कराए जाते हैं। अच्छा बगैर माइक के क्लास चल रही, तुम लोग को फील नहीं हो रहा है कुछ भी, कि आवाज बिल्कुल क्लियर है वैसे ही जैसे माइक में होती है? यस सर, बहुत अच्छा। देखिए आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों निकालना है, जल्दी बताइए निकाल के। बाकी लोग भी करिए, आसानी है क्वेश्चन। यस सर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 6x प्लस 7। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आपको एक बार डिवाइड बाय dx करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 6x प्लस 7 और 0 हो जाएगा वो, तो ये दे देगा 6x प्लस 7। किसी बच्चे को समझ में आया कैसे आया तो पूछ ले। अब ये हो गई वेलोसिटी, अब आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो आपको करना पड़ेगा dv / dx, है ना, डी बाई डी एक्स आ जाएगा एक्सेलरेशन, और ये क्या हो जाएगा 6 बचेगा खाली और प्लस 0 हो जाएगा ये। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, बोलो यस। कि s इज इक्वल टू दे रखा है 1/√t, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालिए dx / dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, बताओ भाई। रूट कहाँ गायब हो गया, चलो कराते हैं। देखो ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2, है ना, अभी हम ds / dt नहीं लगाते हैं वहां पे, ये लगाते हैं एक साथ, ये चलो लगा लेते हैं, ये रहने दो, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं t की पावर माइनस 1/2, है ना। अब आप अंदर ले लीजिए ऑपरेटर के, इसको ये आ जाएगा t की पावर माइनस 1/2 / dt,
ये माइनस वन बाई टू इधर आ जाएगा और t की पावर के साथ क्या होगा, माइनस वन बाई टू माइनस वन, तो ये होगा आपका t की पावर थ्री बाई टू माइनस का, ठीक है। t की पावर थ्री बाई टू का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से, माइनस वन बाई टू, और इसका मतलब होगा t की पावर, इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं, t की पावर माइनस वन बाई टू और इंटू t की पावर माइनस वन लिख सकते हैं ना, बोलो भाई। यस सर। हाँ लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कि इसको आप नीचे ले आइए, नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा t की पावर प्लस वन बाई टू इंटू टी, तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू, नीचे क्या आएगा t रूट टी, ये आएगा ना। यस सर। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन को, ग्राफ को कैसे एनालाइज करने के लिए कैसे पढ़ना है वो हम देख चुके पीछे। अब देखिए कैलकुलस के दो पार्ट, पहला डिफरेंशिएशन, दूसरा इंटीग्रल। हाँ अब इंटीग्रल पे आते हैं, चलो वापस। अब एक चीज देखिए, हमने क्या निकाल लिया, हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल दी। कैसे निकाली थी, अभी हमने आगे देखा था कैसे निकाली थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये देखो। हाँ नहीं नहीं टेंजेंट बना के तो ग्राफ में था, और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए हम बेसिकली कर क्या रहे थे, डेल्टा एस को क्या बना रहे थे, डेल्टा एस को डीएस बना रहे थे। हाँ डेल्टा एस को डीएस बना रहे थे, डेल्टा एस को डीएस बना रहे थे, यानी एक बहुत पतली सी स्ट्रिप हम यहाँ ले रहे थे ना ग्राफ पे, जिसका डिस्प्लेसमेंट डीएस है और जिसमें जो टाइम लगा है उस डिस्प्लेसमेंट में वो क्या रहा है, उसकी वैल्यू क्या रख रहे थे, डीटी, है ना। अच्छा ऐसे बहुत छोटे छोटे इस पे अगर हम इस तरह की बहुत छोटी छोटी पट्टियां बनाएं तो बहुत सारी पट्टियां बन जाएंगी, बोलो इस ग्राफ पे ऐसी बहुत सी पट्टियां होंगी, क्योंकि हर एक पॉइंट की अपनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो अगर अपनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है तो उस पॉइंट का डीएस और डीटी भी तो होगा, बगैर डीएस डीटी के कैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल आएगी। हाँ हर एक पॉइंट की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज होंगी उन सारी वेलोसिटीज को अगर हम मर्ज कर दें, मर्ज करना मतलब समेशन, सम कर दें, उनका समेशन कहलाता है इंटीग्रेशन। क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करना तो ऐसे भी यूज करते हैं ना वर्ड, इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट मतलब होता है पास लाना किसी को। तो अगर हम इन सारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज का डीएस और डीटी निकाल लें और फिर उसको एक पास लाकर समेशन कर दें तो ये कहलाएगा इंटीग्रेशन। और उन सबको अलग अलग कर दो और सबकी अलग अलग वैल्यू निकालो, वो क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएशन। वही तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते थे हम, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पहुंच के निकाल रहे थे। अगर सबकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज को सम कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो ऑपरेशन इंटीग्रेशन कहलाएगा, इंटीग्रेट कर देना सबको। अब बात समझिए, अब देखो ध्यान से यहीं पे समझ लो, इंटीग्रेशन बहुत आसान है। यहां से देखिए ये आपका dt हो गया और ये जो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया होगा वो कितना होगा, वो ऊपर की तरफ होगा ना वो डिस्प्लेसमेंट, तो यहां से देखो वो ये ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट होगा, ये ds होगा, बोलो ध्यान से, यही तो होगा ds, ऊपर y एक्सिस में ds होगा, नीचे dt होगा। तो अभी हमने क्या बताया आपको कि v इज इक्वल टू क्या होता है, ds अपॉन dt होता है। अगर हम आपसे पूछे ds की वैल्यू क्या होगी तो ds की वैल्यू क्या होगी, v dt, अरे इससे निकाली ना हमने। अब इस तरह के छोटे छोटे बहुत से ds होंगे नहीं होंगे यहां पे, अरे बिल्कुल होंगे, और इसी तरह से छोटे छोटे dt भी बहुत सारे होंगे। तो हम क्या करें, अगर सबका समेशन कर दें, सबके ज्यादा समेशन यूज करो, ds सिग्मा ds, इसी तरह से सिग्मा v dt, v को बाहर निकाल लेते हैं, क्या होगा v, सिग्मा वर्ड सुना है ना सबने, सिग्मा किसके लिए यूज करते हैं, समेशन के लिए। हाँ तो अब ये सिंस बहुत छोटा है, कौन ds बहुत ज्यादा छोटा है, dt बहुत ज्यादा छोटा है, तो हम समेशन के लिए यहाँ पे सिग्मा नहीं यूज करते हैं बल्कि इसी तरह का एक समेशन का साइन यूज कर लेते हैं, ये वाला s, s ऐसे ही तो बनता है, देखो s ऐसे बनता है, तो s को थोड़ा लंबा कर दिया, s को लंबा कर दिया सिग्मा की जगह यूज करने के लिए, ये इस तरह से लिख दिया इसको, ये हो गया इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन है। सबको सारे छोटे छोटे ds को सम कर दो, जोड़ दो। अच्छा बताओ सारे छोटे छोटे ds को अगर सम करेंगे तो ये एरिया मिल रहा है ना, यही तो मिल रहा है। हाँ इसका मतलब डिस्प्ले वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का जो एरिया है जो हमें क्या देता था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का एरिया क्या देता है, अरे डिस्प्लेसमेंट देता है ना, नाइन्थ में पढ़ चुके हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बीच का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। हाँ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। अरे एक्सेलरेशन अभी कहाँ आ जाएगा,
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर बनाए कहीं पे, उसका जो स्लोप है वो क्या देगा, वेलोसिटी देगा। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना है उसका एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। सब लोग समझ लो इस चीज को, इसका मतलब बेसिक बहुत ज्यादा हिले हुए तुम लोग। देखो ध्यान से, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इसके बीच का जो स्लोप है वो क्या देता है आपको, वेलोसिटी देता है। लेकिन अगर हम यहां पे क्या बना दें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। लेकिन इसके बीच का एरिया क्या देगा, अगर हम एरिया की बात करें, ये वाला एरिया, ये क्या देगा, ये देगा डिस्प्लेसमेंट। आप समझ में आई बात? हाँ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का स्लोप एक्सेलरेशन देगा, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बीच का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा। इतना याद रखना अभी। अब देखिए वापस चलते हैं, तो इसका हाँ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का अगर हम एरिया निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरा टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, एवरेज डिस्प्लेसमेंट जिसको आप कहते हैं। इसका मतलब आप इंस्टेंटेनियस जो डिस्प्लेसमेंट है आपका डीएस वाला, उसका समेशन कर दें दोनों साइड पे, यानी इससे अगर आप इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, यहां पे अगर आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते जैसे अभी हमने किया, इसको इधर लिया है, तो आपको यहीं से जहां से आपको क्या मिली थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिली थी, वहीं से आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा टोटल, अगर आप उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट मतलब सारे टुकड़े हटा दो, एक पर्टिकुलर टुकड़े पे पहुंचना है हमको, क्या मिलेगा वहां पे, उस टुकड़े की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। सारे टुकड़ों को जमा करो जोड़ दो तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, एरिया मिलेगा, तो एरिया क्या कहलाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो चीजों को जमा कर देना, छोटी छोटी चीजों को सबको उठा के जमा कर दो, इंटीग्रेट कर दो, क्या कहलाएगा वो, इंटीग्रेशन। और सबको अलग अलग करो, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, और एक टुकड़ा उठाओ, वो क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएशन। ये पूरी प्रोसेस डिफरेंशिएशन, और वो टुकड़ा क्या कहलाएगा, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो, एक्सेलरेशन के लिए कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है, बोलिए। हाँ, पूछो। ये देखिए, एस को ही इंटीग्रेशन का साइन कहते हैं। ये जो बना था, हमने बनाया था, ये इंटीग्रेशन का साइन है आपका, नाम समेशन, एस से बना है ना, ये एस है, एस समेशन के लिए यूज करते हैं ना, सम करना चीजों को, तो सम से ही निकला है ये, एस ही है ये, एस सम वाला एस है ये, सम कर रहे हैं ना, हम सबको जोड़ रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, पास ला रहे हैं, क्लियर। हाँ, अब देखो इंटीग्रेशन क्यों किया था हमने, अब आप खुद देखिए यहाँ पे, कि जब आप इसको छोटे छोटे पट्टियों में तोड़ देंगे, देखिए अभी इतना बड़ा है, अब इसका अगर आप एरिया निकालना चाहते हैं तो आप खुद सोचिए, हमने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि इसका एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं ना हमारे पास, कर्व्ड फिगर का एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो कर्व्ड फिगर का एरिया निकालने का एक ही तरीका है कि इसकी पट्टी को और छोटा करो, ताकि ये जो गैपिंग ऊपर मिल रही है छोटी छोटी सी, जो खाली है, एक येलो कलर दिख रहा है, येलो कलर वो है जो ये बता रहा है कि आप इसका एरिया रेक्टेंगल से निकाल सकते हैं, लेकिन जो ऊपर स्पेस दिख रहा है आपको व्हाइट कलर का अभी भी, वो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, उसका एरिया निकालने का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हमने क्या किया, उसको और छोटा कर दिया, यानी ये जो एरर है उसको और मिनिमाइज करने के लिए इस स्ट्रिप को और पतला करो। तो अगर इस स्ट्रिप को हम पतला करते चले जाएंगे और इतना पतला कर दें कि इनफाइनाइटली स्मॉल कर दें, यानी डीएस जिसको हम छोटा बोल रहे हैं, इतना छोटा कर दें, तो ये जो एरर है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। अगर हम मान लें कि जो स्ट्रिप्स हैं वो इनफाइनाइट नंबर की स्ट्रिप्स हैं, जैसे कि सर्किल होता है ना, तो सर्किल कितनी साइड से मिलकर बना होता है, आपने पढ़ा है, कितनी होती साइड सर्किल, हाँ, तो सर्किल की साइड्स क्या मान लेते हैं हम, इनफाइनाइट साइड से मिलकर बना, हालांकि इनफाइनाइट टर्म्स किसी ने नहीं देखा है, लेकिन हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, इसके लिए हम ये सारी चीजें मानते आ रहे हैं। अब आगे देखिए, ये देखिए ध्यान से, ये देखिए कितने छोटे कर दिए हमने, छोटे करते जा रहे हैं, कितने रेक्टेंगल छोटे होते चले जा रहे हैं, ये बिल्कुल इनफाइनाइटली स्मॉल कर दिया हमने, इतना छोटा कर दिया। तब जब जितना छोटा करोगे उतना एरर कम हो रहा है ना, ध्यान से देखो, एरर कम हो रहा है, हाँ वो स्पेस कम हो रहा है। तो बस हमने क्या किया, इतना छोटा कर दिया, उस छोटे को क्या मान लिया हमने, अभी हम पीछे देख चुके हैं, डीएस, हाँ डीएस अपॉन डीटी जो था, डीटी इतना छोटा है, तो क्या किया यहां से, डीएस इज इक्वल टू लिख दिया वी डीटी, और इनको उठा के सबको छोटे छोटे सारे टुकड़ों को क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, सबको जमा कर दो सारे छोटे छोटे टुकड़ों को, उसके बीच का एरिया आपको निकल के आ जाएगा।
इसको बोलते हैं इंटीग्रेट करना। अच्छा, इंटीग्रेशन के तरीके अलग हैं, यानी उसका फॉर्मूले अलग हैं, कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे। और डिफरेंशिएशन का एक हमने तरीका बताया था आपको, खाली कौन सा, स्क्वायर वाला, याद है पीछे बताया था, वो सिर्फ भी एक ही बताया है, अभी उसके सारे मेथड्स को हम, उसके अभी और भी और तरीके भी होते हैं, मतलब और सारी चीज़ें उसके अंदर जब ऑपरेटर के अंदर डाली जाएंगी तो और क्या वैल्यू देगा वो सब देखेंगे। अभी हम खाली ये चाह रहे हैं कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि इंटीग्रेशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन होता क्या है। ये तो समझ में आ गया मुझे लग रहा है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है। हाँ ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी हमको आगे देखनी है। तो डिफरेंशिएशन मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचना, और इंटीग्रेशन सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को ऐड कर दो उठा के। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे टू पार्ट्स हैं कैलकुलस के, कैलकुलस के एक मिनट बेटा, कैलकुलस के दो पार्ट हैं, डिफरेंशियल और दूसरी कौन सी, इंटीग्रल। ठीक है, डिफरेंशियल में हम क्या करते हैं, मेनली स्लोप निकालते हैं कर्व का, है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचते हैं और वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है, या तो क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, अभी हम पीछे देख चुके हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन क्या देता है, मेनली इंटीग्रेशन का लेना देना क्या है, सबको जमा कर रहे हो तो वो एरिया का यानी नेट चेंज दिखाएगा वो, यानी एक तरह की मूवी समझ लो, एक मूवी चल रही है। ठीक है, पूरी मूवी आपको इंटीग्रेशन देगी, मतलब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अगर आपको पूरी मूवी चाहिए एक साथ पूरा चेंज, अगर आप पता करना चाहते हैं कि पहले जो हीरो था वो बचपन में मतलब बच्चा था, फिर वो बड़ा हुआ, फिर वो हीरो बना, फिर वो पूरा उसने विलेन विलेन को खत्म किया, एंड में हैप्पी एंडिंग हो गई, वो पूरी मूवी जो है वो इंटीग्रेशन दिखा रही है। अच्छा, उस एक पर्टिकुलर फ्रेम को अगर उठा के आप कोई चीज़ पता करना चाहते हैं कि उस टाइम पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हीरो ने क्या किया होगा, तो वो जो पर्टिकुलर फ्रेम है वो क्या है, डिफरेंशिएशन, वो डिफरेंशिएशन है। पूरी मूवी आपकी इंटीग्रेशन है, और उस मूवी का एक फ्रेम निकाल लीजिए अगर आप, तो वो डिफरेंशिएशन है, जिसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालते हैं हम। तो ये आपका पूरा जो कैलकुलस है उसका, ये जो हमने आपको ब्रीफ कर दिया शॉर्ट में, ये है कैलकुलस। अब पूछो क्या पूछ रहे थे, कोई पूछ रहा था बच्चा भी बीच में कुछ, बोलो। फिर इसके आगे फिर फॉर्मूला वाले में बात करेंगे हम लोग कि कैसे फिर उसके अंदर बाकी सारी चीज़ों की वैल्यू कैसे निकलती है, ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें बाद में देखेंगे। अभी मुझे लग रहा है बेसिक क्लियर हो गया, कैलकुलस क्या होती है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या देता है, क्यों चाहिए होता है, क्या कह रहे हो बेटा, क्या हाँ हाँ वो सिंबल लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस वो सिंबल दिखाएगा कि आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं इसको, अदरवाइज आप कैसे पता करेंगे आप करने क्या जा रहे हैं यहाँ पे। खाली अगर आप ds इक्वल टू vdt लिखेंगे तो क्या करने वाले हैं, कैसे पता चलेगा आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, ये पता करने के लिए आप सिंबल्स लगाते हैं, तो उससे क्लियर हो जाता है कि अच्छा हम ये करने जा रहे हैं। फिर वहाँ पे लिमिट्स भी आ जाती है ना, अभी हम लिमिट्स का कॉन्सेप्ट बताएंगे ना, इंटीग्रेशन में लिमिट्स का कॉन्सेप्ट भी आता है कि इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कहाँ से कहाँ तक। जैसे भी हमने बताया मूवी है, मूवी को आपको एक पास लाना है, तो मूवी में बहुत तरीके हो सकते हैं एक पास लाने के, हो सकता है आप हीरो की जवानी से लेकर हीरो के बुढ़ापे तक को एक पास लाना चाह रहे हैं, या कोई और बोले नहीं नहीं हमको सिर्फ वहां से लेना है उसके जवान बचपन से लेकर जवानी तक का पोर्शन लेना है, हमको आगे का नहीं लेना है। इसका मतलब अगर आप चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं तो कहां से कहां तक इकट्ठा कर रहे हैं, ये लिमिट पता होनी चाहिए ना हमें। बोलो भाई, किसी को पास लाना है तो उसका कितना पोर्शन लाना है आपको, भाई किसी की मूवी अगर आपको दिखानी है तो उसकी पूरी लाइफ का कितना, उसकी किसी की बायोग्राफी मान लो बन रही है तो उसका कौन सा पोर्शन दिखाना है आपको, अर्ली स्टेज दिखानी है, मिडिल वाली दिखानी है, एंड वाली दिखानी है, सारी दिखानी है। तो इसी तरह से जब चीज़ों को इंटीग्रेट किया जाता है ना तो उसमें लिमिट लगाई जाती है कि इसको कहाँ से कहाँ तक आप पास ला रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इसका कितना पोर्शन इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वो लिमिट वाला पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे, वो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार समझ में आ जाएगा तो।